मोहन जी के नाम में ही मोहन जोदड़ो जुड़ा हुआ है। पूरी संस्कृति जिसमें सभ्यताएं समाहित हैं और भागवत में सारे शास्त्र जुड़े हुए हैं, उन्हें मालूम होगा श्रीमद् भागवत में ही ऋषभ देव को अवतार माना है और उनका इतिहास समाया है और उसमें ऋषभ देव के पुत्र भरत से भारत कहा है। तो वो खुद अपने आप में एक इतिहास है, एक विज्ञान है, एक भूगोल है, एक देश है और एक देश के संरक्षक है। ऋषभ देव पुत्र भरत के नाम से भारत, और भारत का मतलब हमेशा शोभा, और इस शोभा को बढ़ाने वाले श्री राम के भाई भरत, जिनने राज्य पाकर के भी राज नहीं पाया, और इसकी शोभा को और द्विगुणित करने वाले दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत। गुलामी की शब्दों की श्रृंखला से एक शब्द और बीत गया, इंडिया हार गया, भारत जीत गया। इंडिया हार गया, भारत जीत गया, इसलिए हम अब राइजिंग इंडिया नहीं कहते हैं, हम कहते हैं भारत हमेशा शोभारत, जिसकी शोभा हमेशा द्विगुणित हो रही है और विश्व पटल पर जो चमक रहा है वह भारत है। संघ ने पूरे देश को जोड़ा है, संघ ने पूरे देश को जोड़ा है और मुनि संघ ने इंसान को परमात्मा से जोड़ा है।